कहा था कि अगर जीत गया तो मैं पद से इस्तीफा कर दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे सेल में बंद करके एक तरफा लोगों ने दुष्प्रचार किया। तो आनंद मोहन आए हैं और लोग अपनी आंखें खोल कर देखें कि क्या समर्थन है, क्या स्नेह है, क्या प्यार है। ये बदस्तूर जारी है तब से आज तक, सत्ता की चुनौतियों के बावजूद जीतता रहा, सेल में रहते भी जीतता रहा। आज तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, राज्य और केंद्र में हम लोग की सरकार है, जनता हमारे साथ है, ये एक अद्भुत संयोग है। तो मैं आप ये इस चश्मे से मत देखिए, हमने कहा कि आनंद मोहन शिवहर का है और शिवहर आनंद मोहन का, ये सब तो मैं राजपूत के यहाँ क्यों जाऊं जबकि मैं राजपूत का उम्मीदवार हूँ। साधिकार मैं कह सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं पटेल के यहाँ वक्त जाया क्यों करूँ, जब पटेल लवकुश हमारे कोर वोटर है। साधिकार में कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह जी ने मिलकर हमको शिवहर भेजा तो वैश्यों के यहाँ मैं क्यों वक्त जाया करूँ, क्यों समय करूँ। पहले आज से 15 साल पहले 16 साल पहले जब यहाँ जंगल राज था, अस्पतालों की क्या स्थिति थी, यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं रिस्पोंडर। इस वक्त हम शिवहर में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए आनंद मोहन जी होंगे। कैसा है माहौल आपके लिए, 25 मई को चुनाव होने हैं, अब तक आपने खूब पसीना जो है इस गर्मी में बहाया है, पसीना बहाना कितना कामयाब हो पाएगा? देखिए, शिवहर के लिए हम कोई नए नहीं है, शुरू से शिवहर का स्नेह प्यार समर्थन मिलता रहा है। परिणाम है कि जब लोग एक रेफरेंडम लाए थे इसी केस के सवाल पर, तो कहा था कि अगर जीत गया तो मैं पद से इस्तीफा कर दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे सेल में बंद करके एक तरफा लोगों ने दुष्प्रचार किया, लांछन लगाया, उसके बाद हर प्रखंड में हेलीकॉप्टर उतरा और मैं जीता, सेल से सीधे संसद पहुंचा। आज उन सवालों को फिर से उठाया जा रहा है, तो उनसे मैं कहूंगा कि तब मैं आरोपों का जवाब देने के लिए आजाद नहीं था, एक तरफा आरोप लग रहे थे। जब शिवहर की महान जनता ने मुझे अपना पूर्ण समर्थन दिया और उस रेफरेंडम में धूल चटाए विरोधियों को, आज अगर वो ये भूल कर रहे हैं फिर से, तो आनंद मोहन आए हैं और लोग अपनी आंखें खोल कर देखें कि क्या समर्थन है, क्या स्नेह है, क्या प्यार है। ये बदस्तूर जारी है तब से आज तक, बीच में लवलियानंद लड़ती रही, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 360 वोट से हराया गया, जैसे एक बार मुझको 917 वोट से हराया गया था। आज परिणाम है लोगों के प्यार का ही, ये प्रसाद है कि इसी शिवहर से चेतन आनंद विधायक है। तो ऐसा नहीं है कहीं, मैं देख रहा हूँ कि लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं, फासले का अब फर्क मिटाना है। अच्छा, ये आपने कहा कि हम लोग जीत चुके हैं, मतलब कैसे आप यहाँ से देख रहे हैं कि अभी जीत चुके हैं, वोटिंग तो हुई भी नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हर साजिश, हर अफवाह, हर भ्रम के बाद शिवहर आनंद मोहन का है, आनंद मोहन शिवहर के है। ये जो स्नेह का रिश्ता है ये अटूट है। आज हम जब आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, नरेंद्र मोदी जी का नाम, नरेंद्र मोदी जी का काम, नीतीश कुमार जी के
का सुशासन, उनका न्याय के साथ विकास और उनका अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों के बीच किए गए अविस्मरणीय कार्य मेरे साथ, मैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीतता रहा, सत्ता की चुनौतियों के बावजूद जीतता रहा, सेल में रहते भी जीतता रहा। आज तो अनुकूल परिस्थितियां है, राज्य और केंद्र में हम लोग की सरकार है, जनता हमारे साथ है, ये एक अद्भुत संयोग है जब सब कुछ सकारात्मक। लेकिन जब आप चुनाव लड़ते रहे हैं, जब आप चुनाव जीतते रहे हैं, तो परिश्रमन जो है वो अलग था, अब परिश्रमन बदला, इसका कोई असर? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, परिश्रमन कहा जाता है बड़ा चंक राजपूत वोट बैंक का कटा है, कोई आप देख लीजिएगा। हाँ। आप देख लीजिएगा। हाँ। मैं जहाँ से जीता पहली बार, हाँ, वहाँ कोई चंक राजपूत वोट नहीं था, मात्र 7,500 वोट थे महेशी में, जहाँ से मैं 67,000 मतों से उस व्यक्ति को हराया जो कैबिनेट के दूसरे नंबर के थे, हमारे आदरणीय थे, दादाजी के शिष्य थे, मंत्रिमंडल में वो उनका 35 साल का तजुर्बा था और मेरी उम्र भी 35 साल नहीं थी। वहाँ कहाँ था राजपूत वोट? 7,500 राजपूत अगर थे तो 4,000 आदरणीय चौधरी जी के साथ था, शेष वोट ही मेरे साथ होंगे, क्योंकि उस समय जो स्थितियां थी सामाजिक, उसमें राजपूत कांग्रेस के साथ होता था, तो 4,000 उधर होगा और 3,500 हमारे साथ होगा। वोट कितना पड़ा, प्रतिशत वोट, वो भी जोड़ लीजिए, और 67,000 मतों से मैं जीता। तो मैं, आप ये इस चश्मे से मत देखिए, हमने कहा कि आनंद मोहन शिवहर का है और शिवहर आनंद मोहन का है, ये साबित होगा। चलिए, आनंद मोहन शिवहर के हैं और शिवहर जो है वो आनंद मोहन का है, ठीक है। एक मुझे यहाँ से दिखा, बीते कुछ दिन पहले आपने कोई बयान दिया था, उसके बाद खूब जो है एकदम बटेर हाथ लग गया, काट छाट के पेस्ट करके लोगों को लगा कि बटेर हाथ लग गया। कहा क्या था आपने? कुछ तो कहा होगा तभी तो, मतलब आप अब इसको साबित करने के लिए कुछ बातें कहनी होगी, उतना समय नहीं। अच्छा ठीक है, समझे ना, उतना समय नहीं। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने कहा, साधिकार मैं कह सकता हूँ कि मैं राजपूत के यहाँ क्यों जाऊं जबकि मैं राजपूत का उम्मीदवार हूँ, साधिकार मैं कह सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है कि मैं पटेल के यहाँ वक्त जाया क्यों करूँ जब पटेल लवकुश हमारे कोर वोटर है। साधिकार मैं कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह जी ने मिलकर हमको शिवहर भेजा तो वैश्यों के यहाँ मैं क्यों वक्त जाया करूँ, क्यों समय कमाऊ। आज वो दिख रहा है, लोगों को लगा ये बद दे देंगे, राजपूत छाट दिया, पटेल के यहाँ नहीं जाऊंगा, ये है क्या उसमें? लेकिन पटेल से वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा है क्या? ये क्रिएशन, देखिए, आलोचनाओं से कोई शैतान नहीं हो जाता और प्रशंसाओं से कोई भगवान नहीं हो जाता, जो है वही रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, लालू यादव ने जो प्रयोग किया है खासकर लव को लेकर, 7 उम्मीदवार दिए हैं, तो ऐसे में आप ये मान रहे हैं कि शिवहर में लव आपके साथ रहेगा? देखिए, आप ये सब बातें वो तो पहले भी खेला कर रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया, लोग देख रहे हैं कि हारने वाले उम्मीदवारों की गिनती आप बढ़ा भी दीजिएगा तो अंतर क्या पड़ेगा। लोग ये मनसा देख रहे हैं कि जब आपको 100 सीटें मिली तो आपने 49 अपनी जाति को दे दिया, ये लोग देख रहे हैं कि आपको अगर 23 सीटें बांटने को मिली तो आपने उसमें 11 सीटें, एक जमुई का भी मनोज कुमार यादव जी हैं, उनकी पत्नी लड़ी रिजर्व सीट से, 11 सीटें खुद रख लिया। तो ये लव भी देख रहे हैं, ये मुसलमान भी देख रहे हैं, उनको गिनती पुराने से काम नहीं चलता है ना, क्यों नहीं एमएलसी बना देते हैं, क्यों नहीं राज्यसभा के वक्त याद रखते हैं? अब तो जान रहा कि 40 की 40 सीटें, कहीं कहीं लड़ाई दिखेगी जरूर, लेकिन 40 की 40 सीटें एनडीए को मिल रही। अच्छा, एक सवाल है कि शिवार शिवार उसमें बम्पर वोट से, रिकॉर्ड वोट से जीतेगा, लेकिन शिवहर के भी कई मुद्दे हैं, कैसे सुलझा पाएंगे लव यादव साहब? वही सुलझाएगा,
हाँ। ये तो मैं कह रहा हूँ वही सुलझाएगा जिसको ये हैसियत हो कि वो सदर नरेंद्र भाई मोदी जी को नीतीश कुमार जी को लाके शिवहर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको उनका दिग्दर्शन कराए, घाव पर मरहम लगाए, समस्याओं का निदान ढूंढे। अपोजिशन में बैठने वाले कोई है जिसकी हैसियत औकात साल भर का 5 करोड़ है, पहले आज से 15 साल पहले 16 साल पहले जब यहाँ जंगल राज था अस्पतालों की क्या स्थिति थी, यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, शुद्ध पेयजल की क्या स्थिति थी, जो मूलभूत समस्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग उस अंधेरे युग में जाना नहीं चाहता है। एक तरफ जन्म से लेकर मरण तक कभी अंत्येष्टि ये लंबी कहानी हो जाएगी। ये सारी सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र की हो राज्य की हो ये उपलब्धियां गिनाते गिनाते हमने कहा रात हो जाएगी। दूसरी तरफ एक मात्र उनके राज्य में जो अपहरण था, उद्योग बना हुआ, फिरौती था, रंगदारी था, वसूली था, नरसंहार था, उग्रवाद था, दंगे थे, फसाद थे, उसके अलावा एक उपलब्धि थी चरवाहा विद्यालय। अच्छा ये आप अपने बेटे को लेकर क्या कहेंगे, कितना मार्क्स देंगे एज ए विधायक हैं वो शिवहर के जब पहली बार आए? सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा काम आज तक जो काम 36 सड़कें, पुल पुलिया, बेलवा पर डैम, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये बाईपास जो शहर को हार के जा रहा था उसको साइड लगाना, ये सब नया हॉस्पिटल बनाना, ये घनेरो काम। चलिए ये थे अनंत मोहन जिन्होंने हमसे बातचीत किया। और देखिए इस वक्त जो है वो चुनावी प्रचार के लिए जो है वो निकल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को एक बाइंड अप कर देते हैं।